इस बीच बढ़ते हैं आगे। उत्तर प्रदेश के रामपुर में बीजेपी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया गया कि बीजेपी नेता अनुराग शर्मा को हमलावरों ने गोली मार दी, जिसके बाद अस्पताल ले जाते वक्त उनकी मौत हो गई। बीजेपी नेता की मौत के बाद अस्पताल के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। नाराज भीड़ ने अस्पताल में तोड़फोड़ की, जिसके बाद वहां काम कर रहे डॉक्टर और दूसरे कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए। घटना के बाद अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। अभी तक अनुराग शर्मा जी थे, 40 वर्षीय थे, अपनी स्कूटी पे जा रहे थे शाम के टाइम करीब 8:15 के बीच में। तो उन पर हमला हुआ और उन दो गोली मारी गई। उनका पोस्टमार्टम चल रहा है, परिवार जिस तरह की भी तकलीफ दी उसके मुकदमा लेके कार्रवाई कर रहे हैं। इसी खबर पर हमारे साथ संवाददाता अजीत जुड़ गए हैं। अजीत, कुछ पता चल पा रहा है कि आखिर बीजेपी के इस नेता पर किसने गोली चलाई? देखिए, जो अभी तक जांच हुई थी नेहा, उसमें पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। पुलिस कई सारे एंगल तलाश रही, क्या सियासी लड़ाई है या फिर कोई उनकी व्यक्तिगत किसी से रंजिश थी, लेकिन अभी किसी तह पर पुलिस नहीं पहुंची। हालांकि उनकी हत्या के बाद आक्रोश जरूर उस इलाके में फैल गया, साथ ही अस्पताल में जो समर्थक थे उन्होंने जमकर तोड़फोड़ की। जो आईजी है रमेश शर्मा, उनके साथ साथ कई सारे जो अधिकारी हैं वो पहुंचे, और सरकार की तरफ से भी कहा गया कि जल्द से जल्द जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। टीमें गठित की गई हैं SSP रामपुर की तरफ से, लेकिन अभी किसी भी आरोपी की जो हत्या में शामिल थे उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। जी अजीत, इसके अलावा ये भी बताइए कि जिस अस्पताल में इस तरह से तोड़फोड़ की गई, वहां पर इस वक्त किस तरह के हालात हैं? देखिए, बिल्कुल जिला अस्पताल था, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, जहां पर उनकी डेड बॉडी को ले जाया गया था। वहां विवाद हुआ था और काफी जमकर तोड़फोड़ थी। अब वहां पुलिस फोर्स तैनात है, चूंकि वहां से शव को अब सीएम पोस्टमार्टम के लिए पीएम हाउस भेज दिया गया, लिहाजा भीड़ जो है पोस्टमार्टम हाउस पर जो उनके समर्थक थे वहां चले गए। फिलहाल इस वक्त भारी पुलिस फोर्स वहां तैनात है मौके की नजाकत को देखते हुए, और लगातार जो दबिश है पुलिस की वो चल रही है। पुलिस इस बात का भरोसा दिला रही है कि हम जल्दी हत्या आरोपियों को पकड़ लेंगे, लेकिन अभी भी जो कार्यकर्ता है समर्थक है। बिल्कुल अजीत, आप हमारे साथ रहिए क्योंकि